Hey guys, what's up? Hope all you are doing good. Well, it's been a ritual at my home since years that if it's a Sunday, there should be cooking something special. And today also, mom is cooking something special, and that is my favorite and her famous mouth-watering rajma chawal. So today, we are checking out how she cooks it and how it is so much famous in all our family and relatives and in my friends also. Let's check it out. Well, apart from that, since weeks I'm posting at my Instagram about that Sunday special recipe, you must have checked it out. If you have not, please check it out. The link is in description box. So guys, she's my mom. And she is our world famous chef for always. Today she is gonna cook rajma chawal. And let's see, shuru karte hain, presenting you. Hi. Rajma chawal banane ja rahe hain, jo ki main 5 logo ke liye bana rahi hu. To iske ingredients ye hain. Rajma hai, isko maine 5-6 ghante bhigo ke rakh li thi. Chamach lal mirchi. 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 पिंच हींग, टाइगर लौंगी मिर्च, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अलावा हम ये सारे मसाले टाइगर के यूज करते हुए हम राजमा बनाएंगे। आज हम राजमा में टाइगर के मसाले और टाइगर की लौंगी मिर्च यूज कर रहे हैं। राजमा का टेस्ट और बढ़ जाएगा। राजमा मैं बॉईल करने चढ़ा रही हूँ। इसको कुकर में डाल दिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हम 3 गुना पानी डालते हैं। राजमा को बॉईल करते वक्त उसी मैं नमक, हल्दी डाल देंगे। राजमा उबालने चढ़ाती है। अब इसको 5-6 सीटी आने तक इसको तेज आंच पे उबालना है। जब तक राजमा बन रही है, अपन राइस चावल बना लेते हैं। ये 5 लोगों के लिए ये 2 बाउल मैंने लिए हैं। इसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिए हैं। अब इसको मैं बना रही हूँ। इसको गर्म पानी में उबालेंगे। अब राजमा उबल चुकी है। अब मैं इसको घोटूंगी। मैं अधिकतर लोग राजमा को साबुत ही रखते हैं, परंतु मेरी रेसिपी में राजमा को मैं एकदम घोट दूंगी। इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। एक तरफ मैं उबाल में चढ़ा रही हूँ इसको। अब एक तरफ मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। अब राजमा में छौंक लगा रही हूँ। इसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल आने तक मैंने इसमें प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची को काट के रख लिया है। 2 बड़े प्याज कटे हुए, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 2 टमाटर बड़े कटे हुए, 2 हरी मिर्ची कटी हुई, जीरा डाल दिया, इसमें प्याज और अदरक। ये थोड़ी सी हींग, इसको
हल्के गुलाबी होने तक इसको फ्राई करना है। इसमें हल्दी डाल रही हूँ, अभी ये हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्ची, टमाटर, लाल मिर्ची, गरम मसाला, और अब इसमें थोड़ी सी लौंगी मिर्च। अब चौंक तैयार हो गया है, अब इसमें हम राजमा डालेंगे। हमारी राजमा चावल तैयार है। तो दोस्तों हमारे राजमा चावल तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको भी रेसिपी और डिश दोनों बहुत पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी जो आपको पसंद आई है उसे लाइक कीजिए, अपने सारे फूडी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी भी अगर कोई संडे स्पेशल रेसिपी है, संडे स्पेशल डिश है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मुझे तो राजमा चावल बहुत ज्यादा पसंद है, मैं जा रहा हूँ राजमा चावल खाने। आई विश कि आप लोग सब यहाँ होते, आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ, आइए मेरे साथ शेयर कीजिए। See you soon.